पुलिस वाले अंकल भी भूसा को देख रहे हैं। हेलो, दिस इज अमन सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है दिन संडे और अभी शाम होने वाला, और अभी शाम का बज रहा है, कितना बज रहा है अभी? 4:17। अभी 4:17 हो रहा है शाम का। तो अभी मैं और मेरा दोस्त स्कूटी पे निकले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ पे आप जो मेरे साथ ये बैग देख रहे हो ना, इसके अंदर कुछ सामान है। इसके अंदर क्या सामान है और कहाँ लेके जा रहे हैं इस बैग को, ये आपको हम चलते चलते बताएंगे। अभी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, शाम हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको बाइक पे मिलते हैं और सारी बातें करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या प्लान है, सब कुछ। ओके, तो चलिए डायरेक्ट बाइक पे चले। चलो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गया पेट्रोल पंप और यहाँ पे तेल भरने का कार्यक्रम समाप्त कर लेते हैं। कबू तेल दिए था। ओह माय गॉड, भूसा। मतलब उस फूट से डायरेक्ट इस फूट पे आ गया ये बस वाला। ओ माय गॉड, बस बस जा रहा है ये हायाबुसा। सिग्नल में जितने बंदे खड़े थे 90% बंदे हायाबुसा को देख रहे हैं। मतलब एकदम शांति का माहौल। सामने पुलिस वाले अंकल भी भूसा को देख रहे हैं। तो इस हायाबुसा में तो स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अगर इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा होता तो इसका साउंड और भी कमाल होता। खुद के मेहनत पे कभी ले पाएंगे तो ज़रूर लेंगे इन फ्यूचर में। चलो अंकल जी, चलो चलो, बूम 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 वाला गाड़ी उल्टा साइड से क्यों आ रहा है भाई, क्या हो गया? अच्छा, उधर जेसीबी खड़ा है, यानी उधर हो रही है खुदाई। यार क्या ही बताऊं, बार बार बंदा सामने से चला जा रहा है। हाँ, तो अभी पेट्रोल पंप में तेल भरते भरते भूसा दिख गया। भूसा देखते देखते मैं मतलब बताना ही भूल गया कि मतलब हम लोग जा कहाँ रहे, क्या काम है, नहीं काम है। रुक जाए क्या, फोटो खींच ले। हाँ फोटो खींच लेते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, और क्या, जब आए ही है तो। खड़े हुए थे, थोड़ा सा टाइम लैप्स निकाले, थोड़ा स्लोमो किए, और इसके बाद अब कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकेंगे। उसके बाद ही दिखाएंगे कि क्या काम के लिए निकले हैं। बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, और थोड़ा देर, अब ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पे पहुँचने वाले और क्या काम है। ओके, जाना है राय। अभी कुछ गरीब बच्चों को देख रहे हैं, जिनको ज़रूरत होगा उनके लिए कुछ बिस्कुट्स लाए हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं। उनको भी दे दे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं और कहीं कुछ सामने। ओ बच्चा उधर से दौड़ा दौड़ा आ रहा है।
दे दे और एक तो दे दे। ओ दौड़ा दौड़ा जा रहा है दोनों बिस्कुट हाट में लेके उधर। चलो आगे और जा करके देखते हैं कि यहाँ पे अंदर में एक अंकल बैठे हुए हैं। उसको दे दे उसको मिला इनको दे दे इनको दे दे इनको दे ये अंकल को दे दे। ठीक है चलो 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 दे 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 चल टाटा। हाँ तो अभी यहाँ पे कुछ गरीब बच्चों को कुछ गरीब लोगों को जो फुटपाथ पे रहते हैं रास्ते के साइड में रहते हैं उन लोगों को हम लोगों ने बिस्कुट दिया। और ये आइडिया मेरा नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं आया था ये आइडिया, मेरे पीछे जो बैठा हुआ है जिसको आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देखे वही ठीक उसी के दिमाग में आइडिया आया था कि भाई ऐसा ऐसा करते हैं संडे को जाते हैं। तो हम बोले ठीक है चलो चलते हैं, अच्छा बात है। मतलब हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है, तो कुछ एस्टिमेट करके हम लोग ले लिए थे बट वो सारे ख़त्म हो गए एक ही एरिया में देते देते, थोड़े से बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकेगा तो हम लोग केक भी लाएंगे, अभी तो सिर्फ बिस्कुट लाए थे। मतलब जस्ट आइडिया लेने के लिए क्या होता है, लाइफ में पहली बार हम लोगों ने किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, ये मैं ऑफ कैमरा भी कर सकता था बट देखो बच्चे लोग का जो स्माइल जब हम लोग दे रहे हैं ना चीज़ों बच्चों को, तो बच्चों के ऊपर जो स्माइल आ रहा है उनके चेहरे पर जो स्माइल फूट के आ रहा है, जो गरीब लोगों ने स्माइल दे रहे हैं ना, मतलब वो प्राइसलेस होता है। अगर हम उसको एक बार कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी आदमी, अगर मैं भी कभी इन फ्यूचर इस वीडियो को देखूंगा बच्चे के चेहरे के स्माइल को देखूंगा ना तो बहुत अच्छा सा फील होगा। या आप लोग भी जो लोग भी देखोगे ना तो इन बच्चों के मुँह पर जो स्माइल आता है ना उसकी वजह से शायद आप लोग भी मोटिवेट हो गए इनकी मदद करने के लिए। तो बस यही रीज़न है कि मैं कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। अब पता है कमेंट करने वाले तो कमेंट करेंगे ही ऐसा वैसा जैसा तैसा, तो जिसको जो करना है करो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपको तो अपना काम करना है, अपने काम से मतलब रखना है। तो लोगों के कहने से कमेंट करने से ना मुझे पहले फ़र्क पड़ता था, ना अभी फ़र्क पड़ता है, ना ही कभी और फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मेरा हाथ खाली खाली लग रहा है, इसको भरना पड़ेगा, बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ है। नहीं नहीं भैया तो देखो ढुकते समय खाली हाथ, निकलते समय भरा भरा हाथ, भारी भारी घड़ी, ठीक है चुटकी बजाते घड़ी ले लिए क्योंकि बहुत दिन से ख़राब हो गया था और खाली खाली हाथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, समझे मतलब कैसा फीका फीका सा लगता है ना। इसको देखो टाटा टाटा। तो आज का कार्यक्रम जितना भी देने का था पूरा कंप्लीट हो गया,
सारे जितने बिस्कुट लाइट है सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही दिखाना था। आज का संडे राइड कुछ ऐसा हुआ, हम लोग का ऐसा बीता संडे, मतलब थोड़ा अलग सा संडे, लाइफ में पहली बार ऐसा संडे मतलब हुआ हमारे साथ, और क्या। तो ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, पसंद तो ऑफकोर्स आया होगा होप करता हूँ, और अगर नहीं पसंद आया होगा किसी भी एक रीज़न के वजह से तो डिसलाइक कर देना और कमेंट में अपना रीज़न ज़रूर बता देना। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, इन्जॉय करते रहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।